प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन, आज मैं आपकी करंट एनर्जी लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। इनर वर्क भी आपने संभाले हुआ है, आपने अपने इमोशन को भी काफ़ी कंट्रोल में किया हुआ है। हाँ, बट थोड़ा सा ये है कि आप डिवाइन फेमिनिन को लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, काफ़ी आपके इमोशन हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, बट वो सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के लिए ही है। बाकी अदरवाइज आपकी जो एनर्जी है कर्मा को लेकर या अपनी फैमिली को लेकर, तो वो आपकी काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी बैलेंस है, उसमें कोई अनबैलेंस नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं या कुछ ऐसा है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, वो आपको आज या कल 2 दिनों में आपको मिलने वाला है। कोई भी ऑफ़र आपको मिल सकता है आपकी लाइफ का, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहा है। दूसरा, मैं ये कहूँगी कि जिन डिवाइन मैस्कुलिन के जो डिवाइन फेमिनाइन है, उन्होंने अगर तुमको ब्लॉक किया हुआ है, तो उनकी तरफ से भी आपको ऑफ़र मिलने वाला है। वो आपको बात करने वाली है, मैसेज आने वाला है, कॉल आने वाला है उनकी तरफ से। दूसरा, मैं ये कहूँगी कि जो आपकी इस टाइम जो करंट एनर्जी बनी हुई है, वो काफ़ी एक तरह से जानने वाली एनर्जी बनी हुई है। काफ़ी चीज़ों को आप जान रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को आप समझ रहे हैं, खासकर आप अपने एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं। आप अपनी बॉडी जो आपको एक्सपीरियंस दे रही है, जो साइन दे रही है, जो सिग्नल आपको दे रही है, उनको आप समझ पा रहे हैं, फेस कर रहे हैं। इस टाइम आपकी लाइफ में जो मेजर चेंज है वो ये है कि आपका कुछ एंडिंग हो रहा है और कुछ न्यू स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि आपका कोई जो कर्मा है वो काफ़ी हद तक रिलीज हो चुका है। कुछ लोगों से आपका पीछा छूट चुका है, जो काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से आपको बहुत परेशान कर रहे थे, या कुछ उनकी वजह से आपकी लाइफ में अनबैलेंस बना हुआ था, तो वो अब आपकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हैं और आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। या फिर कुछ आपने ऐसा प्लान किया है कि आपने सोचा है कि अब मुझे इस तरह से अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी चाहिए या नया कुछ स्टार्ट करना चाहिए। जो आपकी इस टाइम आप इस जो आपकी प्रेजेंट टाइम में जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, आपने नेगेटिविटी को बिल्कुल ही लेट गो कर रखा है। थोड़ा सा अगर इमोशन आपके अगर अनबैलेंस है, तो वो इसलिए है क्योंकि आप डिवाइन फैमिली इनको बहुत काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं उनके लिए। इस टाइम जो थॉट आपके मन में आ रहे हैं और उनको आप लेकर थोड़ा सा ये सोच रहे हो कि पता नहीं वो मुझे इस टाइम एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, काफ़ी थोड़े से उनको लेकर थोड़ा सा आप अनबैलेंस फील करते हैं। बाकी ओवरऑल आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव बनी हुई है, काफ़ी आपने कर्मा को बैलेंस किया हुआ है। अपनी जो ऑफिस लाइफ है या कोई वर्क लाइफ है, उसको भी आपने काफ़ी हद तक मैनेज किया हुआ है। वहाँ भी आपको एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगी है, जहाँ कभी आप जाने से कतराते थे या उन लोगों से मिलने से डरते थे, क्योंकि वो हमेशा आपको एक नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करते थे, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बातें करते थे। कभी भी आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प नहीं करते थे, बट अब वो जो लोग आपको परेशान कर रहे थे या आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे या आप पर ईगो अटैक करते थे, वो लोग अब आपसे साइड हो चुके हैं और वो फिर से आपकी लाइफ में एक तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, वो आपकी तारीफ भी करने लगे हैं। गाइस, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है। डिवाइन मैस्कुलिन, आप की लाइफ में कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ है जो आपने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अभी भी आप उसको स्टार्ट करने से पहले सोच रहे हो, 100 बार सोच रहे हो कि मैं इस पे चलूँ या नहीं चलूँ। तो डिवाइन मैस्कुलिन, आपके लिए ये कंफर्म है कि आपको वो काम करना चाहिए जिस काम के लिए आप सोच रहे हैं। जो भी कुछ आप अपना थॉट मन में बना रहे हैं, तो उसे आप करें, क्योंकि इस टाइम आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव बनी हुई है कि रिटर्न में आपको पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी, रिटर्न में आपको उसकी सक्सेस मिलेगा, रिटर्न में आपको अगर आप कोई क्वेश्चन किसी से कर रहे हैं या कुछ आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो रिटर्न में भी आपको पॉजिटिव यस मिलेगा। एनर्जी आपकी वहाँ से पॉजिटिव ही आपको मिलने वाली है, तो डरे नहीं। जो भी अगर आप थोड़ा सा इल्यूजन, थोड़ा सा टेंशन ले रहे हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा,
तो वो डेफिनेटली होने वाला है। अब वो कुछ भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में क्या आप स्टार्ट करने वाले हैं। इस टाइम आपका जो डिवाइन टाइमिंग आपकी आ चुकी है, डिवाइन मैस्कुलिन, अब आप बहुत हद तक काफ़ी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। बहुत हद तक आप इस टाइम आप बैलेंस यानी मटेरियल लाइफ को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अभी न्यू न्यू स्टार्ट की हैं, न्यू न्यू आपने उनको ख़रीदा भी है। कुछ लोगों ने कुछ मटेरियल ऐसा चीज़ ख़रीदा है जो काफ़ी टाइम से उसके लिए वेट कर रहे थे, जो नहीं टाइम वो उस टाइम उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, बट इस टाइम रिसेंटली किसी ने उसको अफोर्ड किया है। कुछ तो आपने ख़रीदा है जो आपको बहुत टाइम से वेट था उसे लेने का या ख़रीदने का, कुछ भी ऐसा है जो आपने ख़रीदा है। आई डोंट नो गाइस किसके साथ रेजोनेट होगा, बट जिसके भी साथ हो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। या गाइस ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस, आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो। ये थी डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय।